Welcome again. Hi, I am Anuj. Welcome to my channel Organic and Hydroponic Urban Grow Pro. If you are visiting first time to my channel and haven't subscribed yet, then please do subscribe over here and keep your bell notification button on so as not to miss out any of the new upload on how to grow. Watch the video till the end. And if you find this video interesting and useful, then give me a like. also share it with the like minded people express your view in a comment box and feel free to give any suggestions to improve let's watch the video don't forget to subscribe आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंगन के पौधे की कटाई और छटाई किस तरह की जाए ताकि उस पर मैक्सिमम फ्लावरिंग आए और अच्छी क्वालिटी के फ्रूट सेट हो ये हमारे बैंगन के पौधे हमने एक महीने पहले फेरोपनी किए हुए थे एक महीने के बाद करीब ये अवस्था में हम इसकी कटाई छटाई शुरू करेंगे सबसे पहले हमें इसके लिए जो टूल हम अजार यूज़ करेंगे उसका डिसइनफेक्शन करना ज़रूरी है ताकि कोई डिजीज़ या रोग आगे नहीं फैले इसके लिए हम इसको डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन से साफ कर लेंगे हम यूज़ करेंगे एक कटर और एक प्रूनिंग शीयर हम दोनों को पहले डिसइंफेक्ट कर रहे हैं अब हमें इस पौधे को ध्यान से देखना पड़ेगा अब देखेंगे कि ये पौधे में कुछ हाइट के बाद उसका नेचुरली उसकी दो डालियाँ निकली हुई है हमें ये दोनों डालियों को बचाना है और उसके नीचे की एक सब ब्रांच यानी फूट को बचाना है उसके अलावा की सारे पीले हम निकाल देंगे तो आइए देखते हैं उसको एक एक करके हम निकाल देते हैं अच्छा ये स्प्लिट की पहचान एक और पहचान है जब भी ये दो डाली फूटेगी नेचुरली फूट आएगी तब इसमें यहाँ पे फ्लावर सेट होगी तो आपको वो फ्लावर को पहचानना है और फिर एक दो और ये तीन डाली को बचाना है बाकी की सारी निकाल देंगे यदि कुछ नीचे पीले पत्ते पीले या रोग वाले हो गए उसको भी आप निकाल दो थोड़े दूर से हम्म बहुत छोटे हैं तो आप इसको हाथ से भी निकाल सकते हैं इस तरह अब क्या करेंगे इसमें दो तरीके हो सकते हैं हमें इसको यदि हम मंडप बना सकते हैं ट्रेलिसिंग कर सकते हैं तो हम इसको तीन डाली पर सीधे बढ़ने देंगे और इसमें जो भी सब ब्रांच आती है उसको निकालेंगे और यदि हमें फैला हुआ पौधा चाहिए तो हम क्या करेंगे सब ब्रांच को रखेंगे और फ्लावरिंग के बाद वाली सूट को निकाल देंगे इसमें हम ट्रेलिसिंग करने वाले हैं तो हम इसमें यह सब ब्रांच को निकाल देंगे बस। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ फ्लावर सेट हो जाएगा यहाँ फ्लावरिंग सेट होगी यहाँ होगी अभी आगे आएगा तो यहाँ फ्लावर सेट होगी और इस तीन को हम ऊपर बढ़ने देंगे यदि हम इस तरह रिंगन बैंगन के पौधे की कटाई या छटाई करते हैं तो हमारे पास तीन डालियाँ रहेगी जिस पर बैंगन बैठेंगे और उसकी फल की साइज़ अच्छी बनेगी और कंटिन्यू सेफ फल देता रहेगा